दोस्तों कैसे हैं आप सब। तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्र लिपि में आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, शरीर बंधन करने के लिए आज मैं और एक तो स्वयं सिद्ध बंगाली यंत्र लेकर आया हूँ। इस यंत्र को बनाकर हाथ में धारण करने से या गला पर धारण करने से जो धारण करेगा उस व्यक्ति का ऊपर में किसी भी तरह कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव दिखा नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति रात को सोने के बाद उसको खराब खराब सपना आता है, रात को सो नहीं पाता है या उसको रात को सोने में स्लीप पैरालिसिस होता है, ऐसा व्यक्ति ये कवच को पहनेगा तो उसको बहुत असर करेगा। ये कवच पहनने से उसका ऊपर में जो कुछ भी खराब शक्ति प्रभाव दिखा रहा था वो चीज नहीं दिखाएगा। ये कवच को जब भी आप बनाकर धारण करेंगे आपका ऊपर में किसी भी तरह कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका ऊपर में प्रभाव दिखा नहीं पाएगा। चाहे भूत हो, प्रेत हो, जिन जिन्नत हो या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो आपका ऊपर में प्रभाव दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली वाला कवच है। इस यंत्र को सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा शनिवार नहीं तो मंगलवार के दिन जाफरान के काली से, अनार के कलम से, भोजपत्र का ऊपर में इस यंत्र को आपको अंकन करना है। यंत्रों में जैसे जैसे उल्लेख है वैसे ही आप लोग उल्लेख करेंगे। जिन लोगों को उर्दू या अरबी पता नहीं है, यंत्र के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, जैसे जैसे सिंबल है वैसे सिंबल आप लोग उल्लेख कर लेंगे, आपका यंत्र बन जाएगा। बन जाने के बाद मैं जो मंत्र बताऊंगा इस मंत्र से इस यंत्र को जगा लेंगे। इस यंत्र के लिए पर्टिकुलर मंत्र है, उसी मंत्र से इस यंत्र को आपको जगाना है। जगाने के बाद आपको किसी भी तीन धातु का कवच नहीं तो आठ धातु का कवच के अंदर में भर कर आप इसको गले पर धारण कर सकता है, नहीं तो हाथ पर धारण कर सकता है। जो व्यक्ति रात को सोने के बाद उसको खराब खराब सपना आता है, वो सो नहीं पाता है, उनको डर लगता है, वो व्यक्ति इस कवच को धारण करेगा तो उसको सपना में जो कुछ भी खराब खराब चीज उसको दिखाई दे रहा था वो सब कुछ बंद हो जाएगा। ये जो शरीर बंधन कवच है ये बहुत ही शक्तिशाली वाला कवच है। इस कवच का मिडिल में जो व्यक्ति ये कवच को धारण करेगा उस व्यक्ति का नाम इस यंत्र का बीच में देना है और उसका जन्मदिन जिस दिन वो पैदा हुआ था उसी दिन इसमें उल्लेख करना है। अगर सोमवार को पैदा हुआ है तो सोमवार उल्लेख करना है, अगर रविवार को पैदा हुआ है तो रविवार उल्लेख करना है। यंत्र को आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आपको यंत्र अंकन करना पड़ेगा भोजपत्र का ऊपर में। ये यंत्र आप शनिवार नहीं तो मंगलवार के दिन ही अंकन करेंगे। अंकन करने के बाद जो मंत्र मैं बताऊंगा इस मंत्र से आप इसका प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे और इस यंत्र का नीचे में इसी मंत्र को आपको लिख लेना है। जहां पर ओमुक उल्लेख है उस जगह पर जो व्यक्ति इस कवच को धारण करेगा उस व्यक्ति का नाम आपको उल्लेख करना है। मंत्र को मैं पाठ करके सुना दे रहा हूं। मंत्र है ओम जाग 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 चेरा जाग ब्रह्मा विष्णु शिवेर ओंकार ओमुकेर चिर जीवन रक्षा राख ओं बोगासु। यही है मंत्र। मंत्र को मैं फिर से पाठ करके सुना दे रहा हूं। मंत्र है ओम जाग 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 चेरा जाग ब्रह्मा विष्णु शिवेर ओंकार ओमुकेर चिरजीवन रक्षा राख ओं बोगासु। इस मंत्र को आपको 21 बार पाठ करना है। एक बार पाठ करेंगे और एक बार यंत्र का ऊपर में फूक मारेंगे। ऐसे 21 बार मंत्र पाठ करके 21 तो फूक लगाने के बाद उस यंत्र को अच्छे से फोल्ड करके आप किसी भी तीन धातु का कवच नहीं तो आठ धातु का कवच में भरकर उसको धारण कर लेंगे। इस मंत्र में जिस जगह पर ओमुकेर उल्लेख है उस जगह पर आप जिस व्यक्ति के लिए कवच को बनाएंगे उस व्यक्ति का नाम उल्लेख करेंगे। आप अगर खुद के लिए इस कवच को बनाएंगे तो आपका नाम यहाँ पर उल्लेख करना पड़ेगा ओमुक स्थान पर। और यंत्रों का बीच में जहाँ पर नेम और जन्मदिन लिखा हुआ है नेम का जगह पर आपका नाम उल्लेख करेंगे और नीचे में जहाँ पर जन्म बार है जन्मदिन है उस जगह पर जिस दिन आप पैदा हुआ है उस दिन आपको उल्लेख करना पड़ेगा। इस कवच को धारण करने से किसी भी तरह चालान हो या किसी भी तरह नकारात्मक ऊर्जा हो आपका ऊपर में प्रभाव दिखा नहीं पाएगा। ये कवच बहुत ही शक्तिशाली वाला कवच है। ये कवच को सिर्फ जाफरान के काली से ही आपको अंकन करना है। जाफरान के काली के साथ में आप अगर कुमकुम मिला लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जाफरान उसमें देना ही है आपको। जाफरान के काली से आपको इस यंत्र को अंकन करना है। जो मंत्रों में अभी बताया इसी मंत्र से इसका प्राण प्रतिष्ठा करना है, क्योंकि इस यंत्र के लिए यही मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, तो इस मंत्र से आपको इस यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा करना है। ये कवच जितना दिन तक आपका साथ में रहेगा उतना दिन तक आपका शरीर बंद रहेगा। जैसे तंत्रों में हर बीमारी के लिए मंत्र का उल्लेख है
ऐसे हर बीमारी के लिए यंत्र का भी उल्लेख है, अलग अलग यंत्र का भी प्रयोग है हर किसी बीमारी के लिए। आज जैसे शरीर बंधन करने वाला यंत्र मैंने दिया हूँ, ऐसे बहुत सारा यंत्र है शरीर बंधन करने वाला, तो उसमें से ही मैं आज एक प्रयोग दिया हूँ। इसका पहले भी दिया था और आज भी एक ठो दिया हूँ। इस कवच को जो व्यक्ति धारण करेगा उस व्यक्ति के ऊपर में अगर कोई तांत्रिक ने या कोई ओझा ने कुछ भी चालान करेगा या कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग करेगा तो वो उल्टा उसके ऊपर लौटकर चला जाएगा। अगर उस तांत्रिक के ऊपर में लौटकर नहीं जाएगा तो उसका घर वाला के ऊपर में वो लौटकर चला जाएगा, वो भी कोई गुना बढ़कर जाएगा। इसका पहले भी ऐसे ही एक यंत्र में दिया था शरीर बंधन करने के लिए और आज भी और एक तो प्रयोग में दिया हो। इस वीडियो का जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय मात तारा।